मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। माँ चंद्रघंटा, नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और आज सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी भगवत कथा के अनुसार माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचक्र है, इस वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनका रंग स्वर्ण के प्रकार चमकीला है। उनका वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, खग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हरा कर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवतागण इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेव यानी भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास गए। त्रिदेवों से बताया कि महिषासुर ने कैसे इन सब देवताओं पर अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरतियों पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की ये बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा दसों दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय माँ देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने माँ चंद्रघंटा को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया और इसी तरह अन्य देवता ने माता जी को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया है। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर तो गए, लेकिन माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकर से ही जाने कितने ही असुर का नाश हो गया, कितने मूर्छित हो गए और भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर बहरे हो गए। तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया और महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। ये देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्पों की वर्षा कर दी। आकाश में सहिनाइयां बजने लगी, सब जगह शांति छा गई। माँ चंद्रघंटा ने देवी रक्षा के करके उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाई। चंद्रघंटा माता की जय। अभी इस तरह माँ चंद्रघंटा की कथा हमने सुनी, बराबर है। अभी माँ चंद्रघंटा को माँ चंद्रघंटा को प्रार्थना करके, अर्चना करके उनका नमस्कार करना चाहिए, उनकी भक्ति पूजा करनी चाहिए। आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को हम सबका नमस्कार, धन्यवाद।